राजस्थान के बारां छिपा बड़ौद में बिजली की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ छिपा बड़ौद के मीडिया प्रभारी उपेंद्र धाकड़ व ग्राम पंचायत देवरी जोध के उपसरपंच प्रतिनिधि नवल गुर्जर के नेतृत्व में किसानों ने गोर धनपुरा GSSS पर धरना दिया। धरने पर बैठे किसानों ने लगातार नारेबाजी कर समस्या को पुरजोर तरीके से उठाया। उपेंद्र धाकड़ ने अधिकारियों से बात की और समस्या से अवगत कराया और मौके पर ही निस्तारण के लिए अड़ गए। उसके बाद जिला कलेक्टर बारा, SDM व शंभू दयाल मित्तल, तहसीलदार छिपा बड़ौद से फोन पर बात की। उपेंद्र धाकड़ ने बताया कि किसानों को 3 फेज बिजली दिन के समय ही दी जाए। इस वक्त इस समय सर्दी का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खेतों में पाले पड़ रहे हैं। इन दिनों क्षेत्र में बिजली की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोड सेट के नाम पर बिजली का गायब होना आम बात हो गया है। आज हम सब लोग यहाँ पे गोवर्धनपुरा जेसेस पे इकट्ठा हुए हैं। लगातार किसानों की मांग है कि बिजली अधिकतर दिन में ही दी जाए। इसके लिए हमने सरकार से भी पहले बात की है और IN साहब से मेरी बात हुई है। IN साहब ने प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर इसको ढोला है कि सरकार ने जो हमें दे रही है उस हिसाब से हम किसानों को बिजली दे रहे हैं, लेकिन हमारी लगातार यही मांग रही है कि किसानों को बिजली दिन में दी जाए और अधिक से अधिक बिजली दी जाए। इसके लिए हमने राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दिया है, उनके नाम से ज्ञापन भेजा है और पिछले 2 महीने से लगातार हम छिबड़ो SDM कार्यालय पे भी लगातार 15-20 दिन में बिजली की समस्या को लेकर लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन किसानों की एक न सुनी जा रही है। अब इसके लिए किसान सड़कों पर आ रहा है और आगे जा करके इसको और भी आगे चल करके एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे हम लोग, अगर इस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया रहा तो। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।